नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसा आर्टिकल देखने वाले हैं जिसमें आपका शायद दिलचस्पी भी होगी और आपको हकीकत का भी पता चलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आपका एक एक्टर थे, फिल्म युवा फिल्मकार थे सितारे सुशांत सिंह राजपूत, इन्होंने सुसाइड कर लिया यानी कि आत्महत्या कर ली। तो कई अब इन पर सवाल उठ रहे हैं कि कई लोगों ने इन्हें मतलब बैन कर रखा था इसलिए सुसाइड किया, मतलब कई सवाल उभर कर आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात हमेशा बड़ा दुख होता है, बड़ा बुरा भी लगता है। शायद मैं 20 साल जी हूँ, चाहे आज चला जाऊँ या 10 साल बाद, कभी भी जाने का कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे अंदर भक्ति नहीं है। सीधी बात, मेरा कहने का मतलब, मैं किसी अपना हीरो किसी मानूँ या फिर अपने परिवार को, या फिर आप समझिए कि जो हमारे लिए हर समय खड़ा हो, जैसे कि बॉर्डर पर आपके सैनिक, आपके भाई हो सकता है, माँ बाप बहन हो, जो भी हो सकता है आपके लिए, जो हर समय खड़ा हो बुरे वक्त में सही वक्त में। और सही वक्त का छोड़िए, बुरे वक्त में सबसे ज्यादा। सही वक्त में तो आपके साथ 1000 लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैन होता है बुरा वक्त। तो उस समय कौन खड़ा है, वही आपके लिए हीरो होना चाहिए। तो इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा होना चाहिए सैनिक जो हमारे बॉर्डर पर लगे हुए हैं, क्योंकि वो वहां खड़े होकर रक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम सांस ले रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा है कि कल ही की परसों की बात है कि हमारे 20 जवान शहीद हो गए चीन बॉर्डर पर, चीन से झड़प होने के कारण। उनमें हमें देश हिलता हुआ नहीं दिखा कि ले हर देश का हर नागरिक मतलब श्रद्धांजलि दे रहा हो, गुस्सा फूट रहा हो। लेकिन कई इस तरह के मतलब हम लोगों ने जिन्हें, जैसे आपका नेता मरे कोई या फिर कोई एक्टर मरे, मैं सुशांत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहुत मतलब मेहनती आदमी था, बहुत छोटे स्तर से उठकर आया है। उसका मतलब सफलता के लिए वो खुद अपना हीरो था, अपनी वजह से हीरो था। किसी खानदान से नहीं आता था कि फिल्मी सितारों के खानदान से आता हो और खानदान मतलब बाप दादाओं की प्रॉपर्टी मिल गई उसे दान में, ऐसा नहीं था। तो उसकी उसे छोड़िए, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो क्या कहते हैं कि हम उन्हें एक्टर बनाए, हम किसने बनाया है एक्टर? हम अगर मूवी ना देखें हम जनता तो रोड पर आ जाएंगे कल। अगर वो दान देते हैं तो अपने बाप की कमाई नहीं देते हैं, एक बात हमेशा याद रखिए। अगर नेता दान दे दे तो वो अपने बाप की कमाई नहीं देता है, घर से कोई अपना घर बेच के नहीं देता है। तुमने बनाया है उस नेता को, एक्टर को तुमने बनाया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी जिंदगी में खुद अपनी दम पर हीरो बनते हैं, जैसे हमारे सैनिक अपने कर्मों की वजह से हीरो हैं। तो पूजा करनी है यार तो उन्हीं की करो ना, इन दो कौड़ी की जिनकी औकात नहीं है पूजने लायक, उनकी तो पूजा मत करिएगा। भगवान भी शायद तुम्हें माफ नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारी रक्षा कर रहा है उन्हें भूल कर हम लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं जिनकी औकात किसी लायक भी नहीं है। चलिए छोड़िए, फिर आपकी अंधभक्ति है, आप जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन शायद मुझे नहीं लगता है कि आप कि माँ बाप को ये पसंद हो, या फिर भगवान देख रहा हो तो वो गुलाम परस्त आदमी उससे भी पसंद नहीं होगा। तो ये आर्टिकल आपके सुशांत साहब के बारे में लिखा गया है, उन्हीं के लगभग लगभग उन्हीं से संबंधित। मगरमच्छों के साथ बॉलीवुड के तालाब में रहने के तरीके। बॉलीवुड की तरह कई इंडस्ट्री अति प्रतिस्पर्धा का शिकार है जो मानसिक सेहत पर असर डालती है। चेतन भगत अंग्रेजी के उपन्यासकार हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप सभी जानते हैं, इतना तो आप लोग अंधभक्ति सीख चुके हैं कि बिना नाम इशारे किए करें अगर तब भी आप लोग समझ जाते हैं। तो ये आपके चेतन भगत साहब ने लिखा है, अंग्रेजी उपन्यासकार हैं। एक सफल और युवा फिल्म सितारे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया, टीवी चैनल, व्हाट्सएप विभिन्न अनुमानों से भरे पड़े हैं। सत्य यह है कि हम नहीं जानते क्या हुआ। ऐसी स्थिति में किसी पर आरोप लगाना या फिर अनुमान लगाना समझदारी नहीं है। हालांकि इस घटना से बॉलीवुड की संस्कृति पर और मानसिक सेहत पर इसके असर को लेकर बहस शुरू हो गई है। यह समस्या न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि किसी भी अति प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्री में भी आ सकती है। मुझे इस शानदार लेकिन दोषपूर्ण इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। किन्हें? चेतन भगत साहब को। यहां मैं कुछ टिप्स दे रहा हूं कि अति प्रतिस्पर्धी यानी होड़ भरे माहौल का सामना कैसे करें।
यानी कि ये चाह रहे हैं कि जिस तरह सुशांत साहब ने सुसाइड किया, ये दिन किसी और को देखने ना पड़े, तो इसके लिए ड्रग दे रहे हैं, यानी कि कुछ आपको सलाह दे रहे हैं। देख लीजिए, बॉलीवुड में कोई सीईओ नहीं है और हर कोई यहाँ बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। कई लोगों को लगता है कि कोई हॉलीवुड यानी कि बॉलीवुड कंपनी है और इसमें काम करना यूनिलीवर में काम करने जैसा है। ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ कुछ शक्तिशाली लोग हैं जिनका कुछ समय के लिए बोलबाला रहता है। यह पूंजी और हुनर को साथ लाकर फिल्म प्रोजेक्ट तैयार करने की उनकी क्षमता से आता है, पिछली उपलब्धियों से प्रभाव बनाती है, लेकिन प्रभाव अस्थिर है, हिट से बढ़ा देता है, फ्लॉप से यह गायब हो सकता है। बने रहने के लिए जीतते रहना जरूरी है, यानी कि ये उसी घोड़े की तरह है कि एक घोड़े को रेस में तब तक रखा जाता है जब उस तक वो दौड़ता रहता है। जैसे ही उस वो घोड़ा दौड़ना कम करता है, उसे रेस से हटा दिया जाता है, उस क्षेत्र से ही हटा दिया जाता है। तो समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग एक नाम अनुराग कश्यप का नाम सुनते होंगे, वो भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है मूवियों का। तो जितने भी नए चेहरे आते हैं उनको निखारने का काम उसी ने किया है, मतलब अच्छा डायरेक्टर है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को वो देता हो, जरूरी रखता हो, यानी कि बड़े लोगों को ही महत्व देता हो, ऐसा नहीं है। उसने कई चेहरों को उभेरा है, क्योंकि अब आप जाएंगे तो आपका डायरेक्ट बड़े किसी से लेन देन नहीं होगा, मतलब जानते भी नहीं होंगे आपको, तो आपको ऐसे ही प्रोड्यूसर होते हैं जो सहायता करते हैं। यह मूलतः असुरक्षित पेशा है, सितारे खो जाते हैं, निर्देशकों का जादू खत्म हो जाता है, अच्छी सूरत हमेशा नहीं रहती है, दर्शकों की पसंद अस्थिर है, बहुत से लोग आपकी जगह लेना चाहते हैं। जिनके बारे में हम लोग इतना पढ़ते रहते हैं, इतना बकवास करते रहते हैं, इन्हें किसने पढ़ा है, बना किसने दिया, बताइए ना आप लोग। किसी बड़े सितारे को देखिए, कोई भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम लेने में भी बुराई है। कभी आपको गंदे नाले में अगर पत्थर फेंकेंगे तो उसका पानी आपके ऊपर ही गिरेगा, ये गंदे नाले से भी बेकार स्थिति है इनकी, समझ में आया आपको? इन्हें आप कौन, जनता मर रही है, अगर तो कहें कि नेता और अभिनेता दान कर रहे हैं, बड़ा नाम कर रहे हैं, किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। यही जनता अगर ना जाए, अगर वोट ना दे, तो नेता नहीं बनेगा कोई। अभिनेता अगर इनकी मूवी ना देखे अगर जनता, तो समझ में आ जाता है। आपने देखा होगा जब कोई बाइकॉट मूवी, मतलब उनकी मूवी देखना छोड़ देता है, तो ये रोड पर आ जाते हैं। तो इनकी कमाई का जरिया हम ही लोग हैं, इनके कोई पत्थर नहीं तोड़ रहे हैं ये लोग, ना कोई गड्ढा खोद रहे हैं, इनकी मेहनत का कुछ ऐसा परिणाम देखने को मिल रहा है, लेकिन वो क्या है कि अपना अपना धंधा कर रहे हैं। असुरक्षा कम करने के लिए लोग गुट या कैंप बनाते हैं, अभिनेता निर्देशक निर्माता साथ आकर सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें भविष्य में काम मिलता रहे। तथाकथित पार्टियां कैंप के मिलने का बहाना होती हैं, वहां भी असुरक्षा की भावना है, बस वहां थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है। यह ऐसा है जैसे केंचुए गुच्छा बनाकर खुद को मजबूत दिखाते हैं। लोगों ने कैंप में रहकर या बाहर भी अच्छा काम किया, यह उनकी अपनी मर्जी रही है। सुशांत ने भी आपने सुना होगा कई बार उसने बोला है कि वो हमें पार्टियों में नहीं बुलाया जाता है, पार्टियों से अलग रखा जाता है। तो समझ रहे हैं आप लोग, आप सफल हैं यानी कि हिट देते हैं तो इंडस्ट्री इतना प्यार खुशामद करेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। असफल फ्लॉप देते हैं तो आप अछूते हो जाएंगे। सफलता का नशा इतना ज्यादा होता है कि लोग इसकी तुलना ड्रग से करते हैं, हालांकि फ्लॉप और अकेलेपन का दर्द भी इतना ही ज्यादा होता है। सफलता असफलता के उतार चढ़ाव मानसिक सेहत पर बुरा असर डालते हैं। हुनर अभिनय लेखन निर्देशन के अलावा आपको बहुत सारी मानसिक ताकत की भी जरूरत है। सिक्स पैक बॉडी के साथ सिक्स पैक मन भी हो। अगर आप पहले ही बीमार हैं या कोई मानसिक समस्या रह चुकी है तो यह खतरनाक कॉकटेल बन सकता है। आप समझ सकते हैं मैं इतना नहीं बोलता हूँ, मैं किसी की बुराई करने का मुझे हक भी नहीं है, बताइए क्या मुझे हक है। लेकिन आप लोग एक बात हमेशा विचार करिए, कभी भी टाइम
कभी भी इतिहास पर मूवी बनाते हो उसमें भी तुम मतलब इतना ऐसे ऐसे सीन डाल देते हो कि मतलब युवा उससे आकर्षित होने लगे। आप इतिहास को नहीं दिखा रहे हैं जिस तरह से इतिहास हमारे यहाँ पीस किया गया है। इतिहास में भी आप लोग ऐसे ऐसे गाने डाल देंगे कि मतलब युवाओं को मतलब आकर्षित करने के लिए। आप देखिए हॉलीवुड की जितनी भी मूवी बनती होंगी बड़ी रोचक बनती हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे सीन रहते हैं। लेकिन याद रखिए अमेरिका की तरफ देखिए, इतिहास की मूवी देखना लोग पसंद करते हैं, और अपने यहाँ जब तक हो हॉट सीन ना हो मूवी में वो मूवी ही नहीं चल सकती है। तो हमारे यहाँ के लोगों की मानसिक बीमारी हो चुकी है उन्हें। अभी कल ही मैं किस कहीं आर्टिकल आर्टिकल पढ़ रहा था, एक क्या पढ़ रहा था कि अमेरिका में एक न्यूज़पेपर निकला, एक आत्मकथा लिखी गई थी सुसाइड पर। उसकी छपने के बाद उसमें वहाँ हजारों लोगों ने मौत मतलब सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, तो उस पर बैन लगा दिया गया था। तो आप सोचिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ इस बात को, मैं बस बता रहा हूँ कि आप सोचिए कि इस मूवियों का हमारी पीढ़ी पर असर तो पड़ता होगा ना। अगर आप सोचिए कि अगर ऐसी कोई पत्रिका या आत्मकथा लिखने से जो सुसाइड के बारे में लिखी गई, अगर उसका प्रभाव हजारों लोगों पर पड़ता है, तो इस तरह की मूवियों का भी तो असर पड़ता होगा, नहीं पड़ता होगा? आप कभी विचार करिए, मैं इसमें आपको बस एक नजर दे रहा था। एक व्यक्ति के रूप में यह इस पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। अगर खुद पर भरोसा है तो आपको पार्टी में न्योते या कुछ लोगों के लगातार कॉल्स की जरूरत नहीं है। यह भी एहसास होना चाहिए कि जीवन अन्यायपूर्ण है, लेकिन यह कभी आपके लिए अन्यायपूर्ण रूप से अच्छा हो सकता है तो बुरा भी। बॉलीवुड के साथ भी ऐसा ही है, व्यक्ति को खुद और अपने सफर में ही खुश रहना होता है, फिर वह इतना ही शानदार कितना ही शानदार या साधारण हो। आप मानसिक रूप से कितने भी मजबूत मजबूत क्यों ना हो, अगर बॉलीवुड के तालाब, इस पर आगे बात करूंगा, मैं पूरी तरह उतरते हैं तो आप जोखिम में हैं, या काम डूबे गैर बॉलीवुड लोगों पर भी लागू होता है जो अति प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्री में काम करते हैं। जीवन में विविधता लाना सीखें, आपको अपना काम पसंद होगा, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपके जीवन में सिर्फ काम ही नहीं है, स्वास्थ्य, परिवार और शौक, पुराने दोस्त, इन सब में शायद ग्लैमर और बॉलीवुड की खूबसूरती कम हो, हालांकि वे आपके सुकून और जिंदगी में खुशी दे सकते हैं। बॉलीवुड में कैसे रहा जाए, इसे लेकर मुझे सबसे अच्छी सलाह AR रहमान से मिली थी, जिनसे मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं उनसे कहा कि चेतन भगत साहब कर रहे हैं, ठीक है, उनकी शब्द हैं, बॉलीवुड मुझे डरा रहा है। तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड सुंदर तालाब जैसा है, हालांकि इसमें मगरमच्छ हैं, इसलिए एक कोने में खड़े होकर नहाना ठीक है, इसमें पूरी तरह तैरो मत, हमेशा एक पैर अंदर एक बाहर, समझ रहे हैं? मतलब जो भी जिस तरह नेता देखते हैं ना कि बेटा नेता का बेटा नेता बनेगा, एक परिवार का पूरा कब्जा रहता है किसी पार्टियों पर, इसी तरह ये कहना चाह रहे हैं कि तालाब पर मगरमच्छ का कब्जा रहता है, उसी तरह से बॉलीवुड में भी कई परिवारों का ऐसा कब्जा है, यानी कि वो कुंडली मारे बैठे हुए हैं उस पर। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में रहने के लिए उस्ताद की सलाह को मंत्र की तरह माना। यह आसान नहीं है, बॉलीवुड की चमक तेज लग सकती है, उसमें सामने सब कुछ तुच्छ है। मानसिक सेहत के कारण से ही मैंने तय किया कि मैं सभी अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखूंगा, चाहे टोकरी सबसे चमकदार हो, मैं दूसरे काम भी करता हूँ। इसलिए आप यह कॉलम पढ़ रहे हैं और मैं मगरमच्छों का शुक्रगुजार हूँ कि वे मुझ तक नहीं पहुँचे। मैं होड़ वाले पेशों में कम काम कर रहे बाकी सभी को प्रोत्साहित करूँगा कि वे इसके कारण होने वाली मानसिक समस्याओं के प्रति जागरूक रहें, उन पर ध्यान दें और अपनी जीवन में विविधता लाएं। कोई भी ग्लैमरस पार्टी या नौकरी में सफलता आपकी अंदरूनी खुशी से बढ़कर नहीं है। तो ये कहानी है हमारे देश की, एक हकीकत होती है, एक दिखावा होता है। तो 99% तक मुझे लगता है दिखावा चलता है, 1% हकीकत चलती है। आप भी सोच सकते हैं कि मैं कोई भाषण देने वाला विद्वान नहीं हूं इतना, लेकिन आप भी सोच सकते हैं कि 70 साल से हमारे यहाँ एक नारा दिया जा रहा है, गरीबी हटाओ, हम गरीबों के लिए ये करेंगे, सैनिकों के लिए ये करेंगे, वो करेंगे।
70 साल से आप देख रहे हैं कि चीन का बहुत पहले से, आप 1962 लगभग और पहले से, जब से हम लोग आज़ाद हुए तभी से मामला चला आ रहा है। पाकिस्तान से देखिए, नेपाल से देखिए, हमारे हजारों सैनिक शहीद हो चुके हैं, हजारों किसान हमारे मर चुके हैं, हजारों गरीब मर चुके हैं, लेकिन वही मुद्दा अभी भी आज भी बना हुआ है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, सुरक्षा करेंगे। एक बार अच्छे से निपट सकता था ना कोई भी हो। देखिए, हर समस्या का सॉल्यूशन होता है, बस आपको निकलना होता है। अब आप उस पर चाहे राजनीति करके 50 साल निकाल लीजिए, 100 साल। तो हमारे नेताओं ने यही काम किया है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेंकी है और बाकी उनको तुच्छ समझा है। आप समझिए, कभी किसी नेता के बेटे को मरते हुए देखा है बॉर्डर पर? कभी खुद नेता कभी चला जाए वहां, जिसके परिवार से जो इंसान जाता है उस पर क्या बीतती है वही जान सकता है। अब आपके लिए 20 लोग मरे हुए हैं, 20 लोग शहीद हुए हैं। कोई कहेगा कि वहां के हमने 40 मार दिए, 43 मार दिए। कभी उन 20 परिवारों के बारे में सोचा है जिससे वो गए हुए हैं? एक व्यक्ति के, कभी कभी एक व्यक्ति के जाने के बाद पूरा परिवार बिखर जाता है, समझ में आया? तो इनकी राजनीतिक रोटी सिकती है, बस उससे ज्यादा तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं। तुम्हारा वोट मिलने के बाद 5 साल ये तुम्हें झांकते भी नहीं है। मैं कई पर्सनली मतलब देखा है मैंने कि संसद जी के दर्शन नहीं हुए फिर भी वोट दिया गया, संसद जी को जिताया जा रहा है 5-6 बार से। तो ये चलता रहेगा, अपनी रोटी सेंकिए आप भी और निकलते रहिएगा, ठीक है।